हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर न्यूज ना आज में ट्वेंटी नाइन और थर्ट एथ मार्च के न्यूज़ को डिस्कस करेंगे सबसे पहले जो न्यूज़ है वो जी सैट सिक्स ए से जो डॉबा इसरो ने अभी इसको लॉन्च किया है तो इंपॉर्टेंट है ये जी सैट सिक्स ए की क्या है तो आपको याद रखना है कि ये एक कम्युनिकेशन सेटेलाइट है और इसकी जो लाइफ टाइम है वो टेन ईयर्स की है और ये इसरो का प्रोजेक्ट है ये तीन बातें इसमें आपको याद रखनी है इसके अलावा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो एन बिल से जुड़ा हुआ है नेशनल मेडिकल कमीशन बिल देखिए यहाँ पे बहुत सारे प्रोविजंस हैं जिसको कि चेंज किया गया है जैसे कि फ़ी रेगुलेशन किया गया है और जो मेंबर्स होते हैं जो नॉमिनी मेंबर्स होते हैं उनके उनकी संख्या को बढ़ाया गया है तीन से छः कर दिया गया है यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है जिसको आपको याद रखना है वो है नेक्स्ट के बारे में नेक्स्ट नथिंग बट द नेशनल एग्जिट टेस्ट तो अभी जो इंट्रेंस होगा एम एग्ज़ामिनेशन का वो फाइनल इंट्रेंस जो होगा एग्जामिनेशन वो कॉमन एग्ज़ाम होगा

ये बदलाव किया गया है एनएमसी बिल के तहत ये आपको याद रखना है नेक्स्ट न्यूज़ है प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना तो बहुत अच्छा है ये जो स्कीम है इसमें जितने भी सेक्टर्स होंगे उन सभी के एम्प्लॉयिज़ को सोशल सेफ्टी देने की बात की गई है आपको याद रखना है थ्री इयर्स तक सोशल सेफ्टी दी जाएगी ड्यूरिंग द जॉब और इसमें सारे ही सेक्टर इन्वॉल्व हैं ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि फॉर ऑल द सेक्टर्स एम्प्लॉय इंक्लूडेड इन दिस प्रोग्राम एंड द स्कीम हैज प्रोड्यूस्ड क्वाइट encouraging results to have added about 31 lakh beneficiaries. बेनिफिशरीज़ तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में इसमें बेनिफिशरीज़ हैं और अगर इसके बारे में बैकग्राउंड जानना है तो ये जो प्रोत्साहन योजना है ये एक्चुअली 2016 थाउजेंड सिक्सटीन से ही ऑपरेशन में है एंड द गवर्नमेंट इज़ पेइंग अबाउट ए पॉइंट थ्री थ्री परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर्स टू एम्प्लॉयिज़ पेंशन स्कीम तो इसमें एक पेंशन स्कीम रखा गया है लोगों की सोशल सिक्योरिटी के लिए एंड इसमें और भी ज्यादा बेनिफिट लोगों के इसके तहत ज्यादा रोजगार मिल पाए हैं जो बेस ऑफ वर्कर्स है उसको बढ़ाया गया है तो काफी चीजें हैं जो इसमें बहुत अच्छी हैं आपको इसको याद रखना है नेक्स्ट न्यूज है छोटा सा न्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट है फिलिम्स में पूछा जाता है वन लाइनर के तौर पे कि इंडिया में फर्स्ट इंसेक्ट म्यूजियम कहाँ बनाया गया है आपको याद रखना है इसको तमिलनाडु में बनाया गया है फर्स्ट इंसेक्ट म्यूजियम इज इन तमिलनाडु नेक्स्ट न्यूज है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड स्कीम को लेकर के यू ऑल नो अबाउट दिस स्कीम Uh, इसमें कुछ बातें आपको याद रखनी है फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसको कौन परचेज कर सकता है तो इट मे बी परचेज बाय अ पर्सन हु इज़ अ सिटीज़न ऑफ इंडिया और इनकॉर्पोरेटेड और इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया याद रखना है कि जो सिटीज़न ऑफ इंडिया होते हैं उनके अलावा जो इस्टेब्लिश्ड है इंडिया में वो भी इसको परचेज़ कर सकते हैं एंड अ पर्सन बींग एन इंडिविजुअल कैन बाई इलेक्ट्रोरल बॉन्ड्स इधर सिंगल और ज्वाइंटली विद अदर इंडिविजुअल्स तो इसमें सिंगल भी इस बॉन्ड को ख़रीदा जा सकता है या फिर ज्वाइंटली भी इसको खरीदा जा सकता है आपको याद रखना है और जिनके लिए खरीदना है जिस पार्टी के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड खरीदना चाहते हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्या है तो जो लोगों की एलिजिबिलिटी मैंशनड है ऑलरेडी पीपल्स एक्ट 1951 के तहत और जिनको कि पिछले इलेक्शन में वन परसेंट वोट मिला है टोटल वोट का तो वो लोग एलिजिबल होंगे इस इलेक्ट्रोल बॉन्ड को रिसीव करने के लिए आपको ये क्लियर होना चाहिए एंड इलेक्ट्रोल बॉन्ड शैल बी इनकैश्ड बाई द एलिजिबल पॉलिटिकल पार्टी ओनली थ्रू अ बैंक अकाउंट विद एन ऑथोराइज बैंक तो ऑथोराइज बैंक के थ्रू ही इसको इनकेश किया जा सकता है और इसके अलावा भी एक फैक्ट ये है कि सिर्फ एस है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जिसको कि अथॉरिटी मिली है कि वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड को सेल कर सकते हैं पंद्रह दिन की इसकी वैलिडिटी होती है तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं इसके इसको याद रखिएगा नेक्स्ट न्यूज़ है भविष्य को लेकर के भविष्य भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली ये एक ऑनलाइन सिस्टम है भविष्य और डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर जो है उन्होंने इसको बनाया है इस सिस्टम को बनाया है भविष्य को और किसके लिए है तो जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में रिटायर होते हैं एम्प्लॉयज़ उनके लिए इस पोर्टल को बनाया गया है इट इज़ नथिंग बट अ ऑनलाइन ट्रैकिंग पेंशन सेंक्शंस ठीक है जो पेंशन का सेंक्शन होता है पेमेंट प्रोसेस होता है उसको ट्रैक करने के लिए ये एक ऑनलाइन सिस्टम डेवलप किया गया है और बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे डिफेंस और एटॉमिक एनर्जी इन सारे uh, जो सेक्टर्स हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जा रहा है तो इंपॉर्टेंट है भविष्य क्या है याद देखिएगा ऑनलाइन सिस्टम है और नेक्स्ट न्यूज़ है फर्स्ट नेशनल कॉन्क्लेव ऑन साइकोलॉजिकल ट्रॉमा चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑन मेंटल इलनेस देखिए पीआईबी का न्यूज़ है इसमें बहुत सारे असेसमेंट दिए हुए थे रिसर्च दिए हुए थे बट छोट तो जितने भी मेंटल इलनेस होते हैं साइकोलॉजिकल ट्रामाज होते हैं उनको कर्व करने के लिए उस पर रिसर्च करने के लिए फर्स्ट टाइम एक नेशनल कॉन्क्लेव कंडक्ट किया गया है इसलिए आपको याद रखना है ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इसको कंडक्ट किया था नेक्स्ट न्यूज़ है इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन को लेकर के जाहिर सी बात है एजुकेशन पर होगा लेकिन इसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट राइज किया गया है जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है उन्होंने एक प्रपोजल रखा है और डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन जो है उनको इसमें शामिल किया गया है तो जो सर्व शिक्षा अभियान है और इसके अलावा जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है आर एंड टीचर एजुकेशन तीनों को सब्ज्यूम करने की बात की गई है और ये एक इंक्लूसिव प्रोग्राम होगा जिसके तहत कि इसका जो गोल है वो है टू टीज दैट इज़ टीचर एंड टेक्नोलॉजी पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है उसको टेक्नोलॉजी से जोड़ना और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है एजुकेशन के लिए ये इसका एम होगा तो इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन में आपको याद रखना है कि सर्व शिक्षा अभियान राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर्स एजुकेशन इन तीनों को कंबाइंड करके लोगों को हेल्प पहुँचाने की कोशिश की जाएगी इसमें फॉर द एजुकेशन फॉर द बेटर मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन नेक्स्ट न्यूज ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस बार के फिल्म के लिए खास करके पहले तो आपको याद रखना है कि जो प्रोग्राम है इसको नीति आयोग ने लॉन्च किया है एस्परेशन फोटी नाइन इंडिकेटर्स को रखा गया है एक बात यहाँ पे आपको याद रखनी है कि इसमें वेस्ट बंगाल और केरला नहीं है ऑल द स्टेट्स आर द पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम एक्सेप्ट द वेस्ट बंगाल एंड इसमें आपको ये एक इन्फॉर्मेशन और याद रखनी है कि जो आंध्र प्रदेश है उसको हाइएस्ट रैंकिंग मिली है जो विजया डिस्ट्रिक्ट है उसको एंड इसके अलावा जो हरियाणा है वो लीस्ट पर आता है जो मेवाट डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का वो लिस्ट पर है और टॉप पर आंध्र प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है ये बस इतना सा याद रखें और इट वॉज लॉन्च इन जनवरी इसको जनवरी में लॉन्च किया गया था विद अ नेम टू क्विकली एंड इफेक्टिवली ट्रांसफॉर्म द सम अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट तो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट को कॉम्पटेटिव एनवायरमेंट देने के लिए और उनको इम्प्रूव करने के लिए इस प्रोग्राम को लाया गया है इसको नीति आयोग लॉन्च करती है याद रखेगा और इसमें फोर्टी नाइन इंडिकेटर्स हैं वेस्ट बंगाल केरला नहीं है ये आपको याद रखना है नेक्स्ट न्यूज़ है बहुत इंपॉर्टेंट साउथ एशिया कॉपरेटिव एनवायरमेंट प्रोग्राम इसमें कौन कौन से कंट्री हैं आपको ये भी याद रखना है इंडिया है नहीं या नहीं आप इसको भी ध्यान में रखेंगे और इसका उद्देश्य क्या है तो इसमें जो ऑयल एंड केमिकल पॉल्यूशन होता है उसको ख़त्म करने के लिए कॉपरेशन अभी रिसेंटली किया गया है इंडिया का साउथ एशिया कोऑपरेटिव एन्वायरमेंट प्रोग्राम के साथ जो एस ए सी ई पी है उनके साथ तो इट विल प्रमोट द क्लोजर कोऑपरेशन बिटवीन द इंडिया एंड द अदर नेशंस रिलेटेड टू वॉट जो मेरीटाइम एन्वायरमेंट होता है उसको प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है इसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं ये आप याद रखें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान भूटान इंडिया मालदीव नेपाल और श्रीलंका इसको 1982 में श्रीलंका में स्टेब्लिश किया गया था बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखें इसमें अफगानिस्तान भी है पाकिस्तान भी है इंडिया भी है और साथ में जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो सभी हैं इसमें म्यांमार नहीं है ये या आप याद रखिएगा इसका एम क्या है टू द टाइम पोल्यूशन याद रखना है आपको और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज है माले डेक्लेरेशन को लेकर के हो सकता है प्रेल से पूछ लिया जाए कि माले डेक्लेरेशन किस चीज से जुड़ा हुआ है तो इट इजेड टू द कंट्रोल एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन एंड इट्स लाइकली ट्रांसबाउंडी इफेक्ट फॉर साउथ एशिया इन अदर सिग्निफिकेंस एफोर्ट तो जो जितने भी साउथ एशियन नेशन है उन, उनके द्वारा जो कहीं कही ना कहीं एयर पॉल्यूशन होता है ओशंस में उसको कर्व करना इस डिक्लेरेशन uh, का पार्ट था और एयर पोल्यूशन को ख़त्म करना ट्रांस बाउंड्री इफेक्ट जो होता है उसको कर्व करना भी इसमें शामिल किया गया था ये याद रखिएगा टू कॉम्बैक द ट्रांस बाउंड्री एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम इसमें कंफ्यूज नहीं होना है ट्रांस बाउंड्री एयर पोल्यूशन पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बट जो माले डिक्लेरेशन है वो भी ट्रांस बाउंड्री एयर पॉल्यूशन प्रॉब्लम को कॉम्बैट करने के लिए है ये आपको याद रखना है और अब आज का क्वेश्चन देख लेते हैं कूल ई एम सर्विस को लेकर के है फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन दूसरा स्टेटमेंट है इट इज़ विल बी अवेलेबल इन डेली ओनली आपको बताना है सही है गलत है और लास्ट डे के क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया है गुजरात है इसका सही आंसर गुजरात में माधवपुर मेला कंडक्ट किया जा रहा है और इसका जो की वर्ड है आपको याद रखना है मिजमी ट्राइब जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करती है इसका अपना माथोलॉजिकल इम्पैक्ट है वो आप उसको पढ़ लीजिएगा उस वीडियो से थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग द डिस्कशन प्लीज़ जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल बिकॉज इस चैनल पे बहुत सारे नए नए इनिशिएटिव्स हैं जो रेगुलरली अपलोड किए जाते हैं इवन आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही है एनवाराया जा रहा है तो आप उसका भी हेल्प ले सकते हैं तो थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग दिसकशन थैंक सो लॉट